हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सीएसएस में ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब हम किसी चीज पे होवर करें या क्लिक करें तो नीचे एक मेन्यू खुल जाता है, उसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। पहले टाइटल ले देते हैं, लेक्चर 30 ड्रॉप डाउन। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एक बार रन कर लेते हैं फाइल मैनेजर में जाके। देख सकते हैं लेक्चर 30 ड्रॉप डाउन। एक बनाते कैसे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली हमें एक डिव बनाना होगा, डिव बनाना होगा हमें। इसकी क्लास दे देंगे हम ड्रॉप डाउन। ये प्री डिफाइंड क्लास होती है तो यही वाली क्लास देनी है। फिर एक स्पैन बनाएंगे, होवर में लिख देता हूँ, होवर ओवर मी। ऐसे लिखा होवर ओवर मी, इसका मतलब कि मेरे ऊपर कर्सर लेके आओ। फिर एक डिव एक और बनाएंगे, इसकी क्लास दे देंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट। यही क्लासेस देना, यही हो स्टैंडर्ड होता है और यही देनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू। पहले मैं अभी दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, फिर स्टाइल करने के बाद वापस दिखाऊंगा। रिफ्रेश, अभी देखिए सिर्फ ऐसा ही लग रहा है, नॉर्मल प्रिंट हुआ है, कुछ ड्रॉप डाउन नहीं हुआ। मैं अब स्टाइल करने के बाद आपको दिखाता हूँ। स्टाइल लिख लेंगे, स्टाइल में हमें सबसे पहले तो डॉट ड्रॉप डाउन, क्योंकि हमने क्लास दिया तो डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट ड्रॉप डाउन। तो इसकी पोजीशन हमें देनी होगी रिलेटिव। क्या देनी होगी? रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशनिंग इसलिए देते हैं ताकि ड्रॉप डाउन एक्टिव हो जाए, क्योंकि हमें जो कंटेंट है ड्रॉप डाउन का वो इसके बिल्कुल नीचे चाहिए ना, इसलिए रिलेटिव पोजिशनिंग देंगे। डिस्प्ले दे देंगे इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल एस से, देन डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट को स्टाइल कर लेते हैं। डिस्प्ले करेंगे इसका नन, कुछ नहीं दिखाना हमें। पोजीशन नन इसलिए किया क्योंकि होवर करने पे दिखना चाहिए या क्लिक करने पे। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसका ग्रे, कंट्रोल एस से। मिन विड्थ दे देते हैं, मिन विड्थ 160 पिक्सल, कंट्रोल एस से। देन हम डॉट ड्रॉप डाउन होवर, ये सबसे मेन है। इसके साथ ही डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, जब होवर करेंगे तभी ये कंटेंट, इसका मतलब है जब ड्रॉप डाउन के ऊपर होवर करेंगे तो ड्रॉप डाउन कंटेंट का क्या स्टाइल देना है। इस लाइन का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ, जब हम होवर करेंगे तब ड्रॉप डाउन कंटेंट का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक, कंट्रोल एस से सेव। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नन है, अभी कुछ नहीं दिखेगा, जब होवर करेंगे तभी डिस्प्ले ब्लॉक हुआ उसका। वापिस जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए होवर करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिख रहा, होवर ओवर में ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव। रिफ्रेश कर लेंगे, ओवर ओवर में देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। मैं एग्जांपल फिर से आपको समझा देता हूँ कैसे किया। यहाँ पोजीशन रिलेटिव रखी हमने क्योंकि इसके नीचे हमें कुछ दिखाना है। ओवरफ्लो हम इसका ऑटो भी कर सकते हैं, और ऑटो नहीं करना तो सेल्फ डिफाइन भी कर सकते हैं ओवरफ्लो, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो ऐसे ही आप एडवांस ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं विद टू थ्री थिंग्स, जैसे कि यहाँ मैंने एक डिव लिखा, एक और डिव लिख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, टू लिख लो, फिर
फिर इसके ऊपर हम एयर टैग भी लगा सकते हैं, हमें ये मेन्यू बना के कहीं और क्लिक लेके जाना हो तो नेविगेशन बार की जगह ये भी यूज कर सकते हैं हम, रिफ्रेश करेंगे, माफ कीजिएगा, ड्रॉप डाउन कंटेंट, मैंने यहाँ बीआर भी देना चाहिए था मुझे सबके नीचे, बीआर कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू 3 देख सकते हैं आ गया, ऐसे ही 2 भी आ जाएगा, ऐसे ही 1 भी आ जाएगा। ड्रॉप डाउन हम सिलेक्ट टैग की वजह हेल्प से भी कर सकते हैं, ऑप्शन टैग की हेल्प से, वो मैंने एचटीएमएल में बताया था कैसे करना है। हम इमेज से भी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, इमेज का ड्रॉप डाउन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे डिव के अंदर ये जो स्पैन है इसके अंदर लिखना होगा img .png, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इमेज के ऊपर भी लेके गया तो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा ड्रॉप डाउन। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन idiomcoding.com, स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पुट योर क्वेरी इन Q&A सेक्शन, थैंक यू।